आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपने क्या इसका रखा है कि इफ द टर्म्स विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन, ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में आपने के पास वो टर्म बताने, सीधी सी बात है आपने के पास इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स बताने हैं, ठीक है। वो आपने के पास बताने नहीं, वो आपने के पास दे रखा है 7315 के बराबर, तो हमें अल्फा बताना है। चलो सब हर एक मर्ज का एक ही इलाज जनरल टर्म, तो अल्फा भी नहीं मॉड अल्फा बताने, जनरल टर्म बता दो टी आर प्लस वन किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ के आपने के पास 22 सी आर के बराबर है ना, और यहाँ से आपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ के एक्स की पावर में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 22 और माइनस टाइम्स आर और होल अपॉन में आपने किस करा देंगे 3 के बराबर, और यहाँ से आपने के पास ऊपर हम क्या लिख देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई इतराज, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, अगर नहीं आता तो जाकर के अपनी भैंस चराएं। एक्स क्यू और इन पूरी के पावर में आपने किस करा देंगे आर के बराबर। चलो अब थोड़ा सा हम फटाफट कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यहाँ से अगर आपने किसके बराबर 22 और सी आर के बराबर, यहाँ से आपने कैसे क्या करो अल्फा की पावर आपने कैसे करा देंगे आर के बराबर, और इनटू आपने कैसे बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा की पावर आर के बराबर, और यह गया एक्स की पावर में बताओ तो यह गया आपने कैसे 44 माइनस टेंस 2 आर और माइनस टेंस 3 आर लिख सकते हैं क्या। देखो आपने कैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर माइनस 3 आर हो जाएगा और बेस सेम है तो पावर आपने कैसे करा देंगे 8 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से आपने कैसे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, यहाँ से अपने पास होल अपॉन में 3 के बराबर और यहाँ पे ये माइनस 3 आर होगा, हमारे पास अल्टीमेट 9 आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास थोड़े से और सॉल्व कर लूँ तो 22 सी आर के बराबर, अल्फा की पावर आर के बराबर, एक्स की पावर में आपने किसको करा देंगे तो यह गया 44 और माइनस टाइम्स 2 आर के बराबर और माइनस टाइम्स 9 आर और होल अपॉन में आ गया अपने पास 3 के बराबर। चलो हो जाओ गुरु शुरू, तो 22 सी आर के बराबर, अल्फा की पावर आर और एक्स की पावर में आपने किसको करा देंगे तो 22 9 2 11 यानी 44 और माइनस 11 आर और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। ये आ गया हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चंस में कुछ ये देखो तो क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ विदाउट एक्स, ऐसा टर्म जो कि आपने कहा जिसमें एक्स नहीं होनी चाहिए, यानी ये पूरा जीरो होनी चाहिए। चलो गुरु हो जाए शुरू, तो 44 माइनस टाइम्स 11 आर और डिवाइडेड बाई आपने कहा 3 इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से आर इक्वल टू बता दो, आर इक्वल टू 4 के बराबर है, जैसे आर इक्वल टू 4 के बराबर है और वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, आर इक्वल टू 4 अगर पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 22 सी 4 के बराबर, अल्फा की पावर 4 इक्वल टू दे रखा अपन के पास किस तरह 7315 के बराबर। अब अपन के पास सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अपन किस बराबर देंगे तो यहाँ अपने के पास 22 सी आर, अब अपने के पास मल्टीप्लीकेशन खतरनाक है, 22 × 21 इंटू अपने के पास बराबर देंगे तो 22 21 और यह अपने के पास बताओ तो यह 20 के बराबर और इंटू अपने के पास बताओ किसके बराबर देंगे तो यह अपने के पास 22 21 19 और होल अपन में आ गया अपने के पास 4 के बराबर 3 2 1 के बराबर और अल्फा की पावर 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास 7 3 1 5 के बराबर। यहाँ से अल्फा की पावर 4 बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने का जो कट रहा है ना उसको पहले काट लो, तो ये आपने के सुरा देंगे तो 3 7 21 के बराबर है ना, और यह गया अपने के पास किस बराबर तो 4 5 20 के बराबर और ये रहा अपने के पास 11 टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, यानी अल्फा की पावर 4 जो आ जाएंगे वो 7 3 1 5 डिवाइडेड बाय अपने के पास आ जाएंगे 11 इंटू अपने के पास 7 × 5 इंटू अपने के पास 19 के बराबर। अब इसी से बात है इंटीजर टाइप है तो ये सारे अपने के पास डिवाइड हो जाएंगे। चलो थोड़े से अपने के पास हम कैलकुलेटर निकालें, थोड़े से क्या पूरा निकाल ही लो, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 7315, ये दे रखा 7315 को अपने के पास भागा देना स्टार्ट करो, इसको सबसे पहले 19 से भागा दे दो, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, ये आ गया अपने के पास कैंसिल आउट करते चले जाऊंगा, ये आ गया अपने के पास 385 के बराबर है ना, ये आ गया और इसको अपने के पास फिर से भागा दे दो किससे, तो ये आ गया अपने के पास 35 से डायरेक्ट भागा दे देते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे 11 के, ओ माय गॉड सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी अल्फा की पावर 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर 1 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर और मॉड अल्फा पूछ रखा तो मॉड 1 के बराबर, यानी अपने पास बराबर ही आंसर आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 1 के बराबर, अल्फा अपने पास 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1 के बराबर, तो 1 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।